महत्वपूर्ण समाचार थी बुलेटिन की शुरुआत करिए तो मात्र 6 कलाकनो समय बाकी छे जे आगाही करवामां आवी छे कि बिपोर जोए गुजरातना कच्छना जखौ खाते टकराशे गुजरात पर मंडरातु महासंकट हवे मात्र 6 कलाक दूर छे सांजे 6 वाग्याथी 9 वाग्यानी वच्चे बिपोर जोए वावाझोडुं कच्छना केटलाक विस्तारोमां टकराई शके छे खास जे जखौ विस्तार छे त्यां અને આ સમયે વાવાઝોડું જે છે 125-150 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે જે છે તે ટકરાય તેવી શક્યતાઓ છે। કચ્છના અનેક ગામો અત્યારે સુનસાન જોવા મળી રહ્યા છે। દરિયો ગાંડોતૂર છે, દરિયામાં કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે। 20-25 ફૂટ ઊંચા જે મોજા છે તે ઉછળી રહ્યા છે। જખૌ અને લખપત વચ્ચે આ વિનાશક વાવાઝોડું ટકરાવાનું છે। 1.5 લાખથી વધુ લોકોને સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે, શેલ્ટર હોમમાં તેમને લઈ જવામાં આવ્યા છે, ત્યાં તેમને રાખવામાં આવી રહ્યા છે। હજારો લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે। એનડીઆરએફની ટીમો, એસડીઆરએફની ટીમો, સ્થાનિક તંત્ર અત્યારે તૈનાત જોવા મળી રહ્યું છે। આ ઉપરાંત કચ્છની સાથે ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની શક્યતા પણ જોવા મળી રહી છે અને વાતાવરણમાં પલટો પણ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે। મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓ સાથે ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં અત્યારે વાતાવરણમાં ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે। કેટલીક જગ્યાએ વરસાદ પણ વરસી રહ્યો છે ધીમી ધારે, તો ક્યાંક ધોધમાર વરસાદની શક્યતા સેવવામાં આવી રહી છે। ભયાનક વાવાઝોડું 125-150 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે જ્યારે ટકરાશે ત્યારે તેની ગતિ જોવા મળશે। वेरी सीवियर साइक्लोन सिस्टम, उसका मूवमेंट अभी लास्ट 6 घंटे में देखा जाए तो वो अभी 7 किलोमीटर पर आवर में मूव कर रहा है और उस अभी जखाऊ पोर्ट से लगभग 170 किलोमीटर दूर में अभी है और वो क्रॉस करने का संभावना है नियर जखाऊ पोर्ट बिटवीन मांडवी एंड कराची, कच्छ कोस्ट में क्रॉस करने का संभावना है। इवनिंग आवर्स यानी हमारा तो 8:00 8:30 बिन उसका आगे 1-2 घंटा भी जा सकता है, इट्स नॉट रूल्ड आउट, बट एज ऑफ नाउ इट इज इवनिंग आवर्स अप टू 8:00 का अंदर वो क्रॉस करने का संभावना है। उसके कारण से स्ट्रॉन्ग विंड भी रहेगा और हैवी रेन भी रहेगा, ये सारे वार्निंग दिया ऑलरेडी दिया गया है। नहीं, जैसे हम इवनिंग आवर्स बोलते हैं मतलब नॉट एग्जैक्टली एट 5:30, इवनिंग आवर्स हमारा 6 to 8:30 होता है, तो इट इज नॉट पिन पॉइंट एग्जैक्टली एट 8:30। ऐसे मैं बोल रही हूँ 8:30 में भी हो सकता है, इवन 6:30 में भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक भी आ जा सकता है। जब हीट होगा उसका विंड स्पीड मोस्टली रहेगा 115 किलोमीटर पर आवर टू 125 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 135 किलोमीटर पर आवर। अभी 7 किलोमीटर पर आवर में अभी जा रहा है, उस टाइम में देखना पड़ेगा, वो कैलकुलेट गति का फोरकास्ट नहीं किया जाता है। मैं हीट कहाँ पर होगा? हीट मोस्टली जखाऊ पोर्ट का आजू बाजू में हीट होने का संभावना है। मैम अभी जो साइक्लोन का आउटर लेयर है जो गुजरात में एंटर हो चुका है, उसकी क्या परिस्थिति है? अभी मोस्टली एक जो स्पाइरल बैंड है, बैंड अभी गुजरात का ऊपर, उसके कारण से मतलब क्लाउड का बैंड स्पेशली हम बोल सकते हैं गुजरात का ऊपर है। अभी धीरे धीरे रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने का संभावना है और इवन विंड स्पीड भी बढ़ने का संभावना है। अभी तो मैंने फोरकास्ट किया आज ऑफ नाउ फोरकास्ट के हिसाब से जखाऊ पोर्ट का आजू बाजू वो क्रॉस करने का संभावना है। उसका साइक्लोन का जो आई है, आई कहाँ तक शिफ्ट किया है वो 6 घंटा में कितना वो डिस्टेंस से टाइम से कैलकुलेट करता है। मैडम वो जब जमीन में टकराएगा तब कौन सी स्पीड से, यही स्पीड से आगे बढ़ेगा? ये स्पीड है जो जो टकराएगा जमीन में उसका जो स्पीड है
मैक्सिमम विंड स्पीड साइक्लोन का जो इफेक्ट की वजह से मैक्सिमम विंड स्पीड रहेगा 115 टू 125 किलोमीटर पर एरिया। आई की एरिया एग्जैक्टली अभी तक हम कैलकुलेट नहीं किए हैं, बट जैसे बड़ा साइक्लोन होता है तो आई की एरिया अराउंड डायमीटर उसका 50 किलोमीटर होता है, लेकिन मोस्टली 12, 13, 15 किलोमीटर कुछ कुछ होता है। इट डिपेंड्स करता है साइक्लोन कैसे है और आई कैसे विजिबल है, उसी हिसाब से आई का डायमीटर नापा जाता है। कहू छे के सांजे 6 वाग्या थी 9 वाग्यानी वच्चे जे वावाझोडुं छे बिपोर जो आए ते जखौ अने आसपासना विस्तारमां टकराई शके छे। तंत्र अत्यारथी सावधु जोवा मळी रह्युं छे। अनेक गामो खाली करी देवामां आव्या छे। तमाम लोकोने शेल्टर होममां स्थलांतरित करवामां आव्या छे। 1.5 लाख जेटला लोको जे छे तेमने स्थलांतरित करवामां आव्या छे। अने बिपोर जोईने लईने साथे हवामान विभागे कह्युं छे के जे समये टकराशे ते समये वावाझोड़ानी गति जे छे ते 135 किलोमीटर प्रति कलाकनी रही शके छे तेवी शक्यता व्यक्त करवामां आवी रही छे।